मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि माननीय मोदी आने के बाद अच्छे दिन किन किन लोगों को मिले, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि अच्छे दिन आयुर्वेदा को आए हैं। अच्छे दिन इसलिए आए हैं क्योंकि समाज मान्यता देने का काम हम सभी वैद्यों ने और हम सभी ऑर्गेनाइजेशन समाज मान्यता देने के काम कई सालों से कर रहे थे, क्योंकि हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं और लास्ट 70 साल से हमारा आयुर्वेद का डॉक्टर, आयुर्वेद का वैद्य पूरे समाज में अपने को समाज मान्यता के लिए प्रखर प्रयत्न कर रहा था। और आयुर्वेद जैसे व्यासपीठ ने समाज मान्यता तो मिली थी, लेकिन राज्य मान्यता नहीं मिली थी। राज्य मान्यता देने का काम जो किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। फर्स्ट टाइम 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, और द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आयुष मिनिस्ट्री फॉर्म हो चुकी। आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी को अलग से खुद की मिनिस्ट्री मिली, और तब के आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद जी नाइक से अब सोनवाल जी यहाँ पे हैं। सभी लोग यानी आयुर्वेद के लिए उन्नति कर रहे हैं। द सेकेंड चीज, नॉट ओनली द राज्य मान्यता इन भारत देश में ही नहीं, तो पूरे राज्य मान्यता अपने को मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे मिली है। इसीलिए जो पूरे जग भर में हमें मान्यता देने वाले माननीय मोदी जी 21 जून जो योगा दिन बोल के डिक्लेयर किया, और पूरे जग भर में हम उन 121 कंट्री में योगा मनाने लगे, आयुर्वेद को मान्यता पूरे जग भर में माननीय मोदी जी ने दी है। और इसी को लेके मुझे लगता है कि इस बार की जो थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेदा, और इसी को लेके आज हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं इससे, और एक सबसे बड़ा काम जो इस साल हुआ विच इज एन ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर, जो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइप से हुआ है, ये तो सबसे बड़ी बात देश में हम कर सके। आज तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेदा को रिकॉग्निशन कभी नहीं दिया था, उसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आयुर्वेद को मान्यता देते हुए द ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन का एस्टैब्लिशमेंट में जामनगर होना अपने लिए बहुत गर्व की बात है, आयुर्वेद डॉक्टर के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आयुर्वेद पूरे गांव गांव तक पहुंच चुका है, आजकल मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि आयुर्वेद डॉक्टर के लिए कुछ भी नाम उनकी नहीं है। जब एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी आयुष सेक्रेटरी लेवल पे काम करता है, एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी इस देश के कौन से भी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। अभी बोल रहे थे कि अपना डॉक्टर कनाडा से लेके यूरोप तक सभी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, और एखादा सिंपल आयुर्वेदिक डॉक्टर इस राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। इसीलिए मैं मेरे खास करके जो स्टूडेंट्स मित्र जो ऊपर बैठे हैं इनके लिए कहता हूं कि आयुर्वेद कुछ कम नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज द स्पिरिट फॉर द आयुर्वेदा डॉक्टर। इसलिए मुझे कभी कभी जब मैं खुद पास आउट हुआ था, मैं खुद बता देता हूं कि 1996 में BMS पास होने के बाद आगे क्या करना, ये मेरे सामने भी प्रश्न चिन्ह था, आगे क्या करना। लेकिन मैं ठाम से कहता हूं, मैं खुद आयुर्वेद डॉक्टर बना इसीलिए MLA, स्पीकर और मुख्यमंत्री बन सका।